बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। ये मज़ेदार मटर पुलाव बनाने के इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, एक पाव मटर हैं, दो टमाटर, तीन तेज़ पत्ते, डेढ़ टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून भरकर धनिया, गरम मसाला जिसमें तीन मैंने लिए हैं दालचीनी, दो बड़ी इलायची, 10-12 मैंने काली मिर्चें और 5-6 लौंग, और 2-3 चम्मच दही लिए। ऑयल गरम होने रखा है मैंने। ऑयल मैंने दिया है, छोटे साइज़ का कप है जो आधा है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। जब ये थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं दिखाया, मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी हो गई है, मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। और हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 6-7, वो डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें मटर डाल दूँगी। इस तरह मटर जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। 1 पाव के करीब मैंने मटर लिए हैं, इनको 2 मिनट की भुनाई करूँगी। इसके बाद इसमें गरम मसाला डालूंगी जो मैंने आपको दिखाया था, साबुत गरम मसाला। तो थोड़ा गरम मसाला हो जाएगा तो फिर इसमें स्पाइसेस और टमाटर डालूंगी। तो अभी मैं थोड़ा भूनकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मटर थोड़े भून गए हैं, जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। गरम मसाले में जो मैंने तेज पत्ता नहीं डाला था आप डाल रही हैं, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने। अब इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी और थोड़ी भुनाई कर मैं इनको इसमें पानी डाल दूंगी। रोज मैंने तेज चावल लिए हैं, वो कच्चे लिए हैं, वो मैंने उनको भिगो दिया है और 1 गिलास लिया है मैंने। इसका मसाला इसको भुन जाएगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी, दही मैं भी नहीं डाल रही। दही जब मैं डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखें बस, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 1.5 गिलास पानी डाला है। ये बॉईल होगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो है मटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ जो मैंने 1 गिलास आपको बताए थे। ये कच्चे बासमती हैं। जब इसमें एक बॉईल आएगा तो उस वक्त हम इसका नमक टेस्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है चावल का, आप देख रहे हैं। आपको मैं चम्मच भी लगा सकती हूँ, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। हम इसी वक्त इसको दम पे रख देंगे। ये देखें, हल्का सा पानी है इसमें और इसको मैं अब ढाप कर दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट का हमने इसे दम पे रखा है। ये देखिए कैसे खिले खिले चावल हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। व्यूअर्स, अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।